स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म। आई होप आप सब अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सबको अभी अपने घरों में ही रहना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोशिश करिए कि आप अपने घर पर ही स्पेंड करें, है ना। जितना अगर नेसेसरी काम है तो ही घर से बाहर निकलिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना घर पे ही आप यूटिलाइज करिए। जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपके हो रहे हैं, PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी, सबको ध्यान से देखिए, ध्यान से एनालाइज करिए, अच्छे से पढ़िए उनको, फिर टेक्स्ट बुक देखिए और उसके बाद टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये मैं हर लेक्चर में बार बार यही चीज आपको रिपीट करता हूँ, यही चीज मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि हमारा काफी समय जो हम अभी व्यतीत कर रहे हैं, आप लोग 11th स्टैंडर्ड में आए हैं और अभी तक अभी एक सिंगल डे भी हमने कॉलेज का ऑफलाइन सेशन लेक्चर नहीं हुआ है। अभी जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सब हमारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ही हो रहे हैं। तो जब भी हमारे कॉलेज ओपन होंगे, जब भी हम कॉलेज में आएंगे, हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, तब जब हम पढ़ाई करेंगे, तब ये पढ़ाई जो अभी हम कर रहे हैं वो काफी हमें फायदा देगी तब जब हम फेस टू फेस मिलेंगे। तो अगर आप लेक्चर्स को सीरियसली ले रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अभी बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक और कोई भी टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो जो मैनर ऑफ टीचिंग जो मेरा रहता है, मैं कभी भी आपको स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं हमेशा आपको कंटेंट वही डिलीवर करूंगा जो जेई मेन और NCERT सिलेबस में मौजूद होगा, जो आपको जेई मेन में हेल्प करेगा। तो वही सारे टॉपिक्स हम उन्हीं तरीके से कवर करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से सारे वीडियो लेक्चर्स ऑब्जर्व करें, ध्यान से वीडियो लेक्चर देखें। मेरा ही लेक्चर नहीं, M1 के भी, Physics 1, Physics 2, Chemistry 1 एंड Chemistry 2, सारे सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छे से आप फॉलो करिए। हम हमारा मैक्सिमम हमारी कैपेबिलिटी पर, जितना एक्सपीरियंस हमको टीचिंग में हो गया है, सारे ही फैकल्टीज को हम पूरा आउटपुट इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी उसको सीरियसली लें, है ना। लेक्चर्स को अच्छे से देखें, मैं वापस से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लेक्चर ध्यान से देखें। आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी अगर आप बिल्कुल अच्छे से लेक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो लेक्चर, अगर कुछ स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट रादर मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर वन से बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स, जो मेरा लेक्चर था, तो बेसिक मैथमेटिक्स के जो स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स थे, बिल्कुल वहां से आप लेक्चर्स देखिए, तब जाके आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि हमने आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाला जाता है, वो हम अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए आए हैं, है ना, या जो स्टूडेंट्स बीच में से लेक्चर्स देखना शुरू किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर्स तब बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर वन से आप लेक्चर्स को फॉलो करिए, तभी आपको बिल्कुल कमांड आएगा इस टॉपिक पर। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आर्ग्यूमेंट खत्म कर चुके थे, सॉरी, और उसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। आर्ग्यूमेंट का मैंने आपको पूरा आइडिया दे चुका हूँ पिछले 2-3 लेक्चर्स। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, क्वाड्रेंट सिस्टम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट का 90, 180, 270 और 360 डिग्रीज के सारे फॉर्मूले, वही सब अगर हमें ढंग से आ गया तो हमें आर्ग्यूमेंट भी समझ में आ गया। तो उसी पे, क्वाड्रेंट सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री पे ही पूरा बेसिकली आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है। जनरली आर्ग्यूमेंट होता क्या है, एंगल होता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एंगल होता है थीटा, है ना। तो आज हम कुछ अच्छे चैलेंजिंग सवाल करेंगे जो कभी ना कभी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड पे बेस्ड। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - iota डिवाइडेड बाय 1 + iota। पहली बात है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है ना। तो पहले तो हमें इसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा, है ना। और दूसरी बात, ऑप्शन दे रखे हैं -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2 का मतलब 180 होता है, आपने M1 में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ, पाई मतलब 180 डिग्री, तो है ना, आप डिग्री में इजीली निकाल सकते हो। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, पहला ऑप्शन 90 डिग्री है,
दूसरा ऑप्शन है, सॉरी, पहला ऑप्शन -90 डिग्री है, दूसरा ऑप्शन 90 डिग्री है, और तीसरा ऑप्शन है 3π/2, यानी 270 डिग्री हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन है 5π/2, यानी 5 × 94 50, है ना, 450। ऐसे चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आर्गुमेंट निकालना है साहब, है ना। तो सबसे पहले है ना, जेड दे रखा है हमें, जेड दे रखा है हमें 1 − i/1 i। मैंने आपको एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बताया था, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो हमें उसको क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो हम रैशनलाइज कर देंगे ऑपोजिट साइन से, तो नीचे आ जाएगा 1 − i/1 i, है ना। अब ऊपर तो हो गया 1 − i/1 i, तो हो जाएगा 1 − i² है ना। ऊपर देखिए ध्यान से, 1 − i जब 1 − i से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब 1 − i² हो जाएगा, और नीचे हो गया a+b a − b, यानी a² − b² यानी 1² − i² ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ऊपर तो खोल लेते हैं, a − b² का फॉर्मूला होता है a² + b² − 2ab डिवाइडेड बाय 1² 1 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये 1 − -1 हो जाएगा, और ऊपर होगा 1² 1, आयोटा का स्क्वायर -1 और -2 i डिवाइडेड बाय 1 − -1, दैट इज 2। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा -2 i डिवाइडेड बाय 2। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, -i, क्या बचा मेरे पास, -i। तो यानी ये जो चीज हो गई, ये पूरी चीज इसको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं लेके आ गया, तो क्या आया ये z, ये z आ गया मेरे पास -i। अब मुझे निकालना है आर्ग्यूमेंट, है ना, अब मैं निकाल सकता हूं। तो देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा आप, है ना। देखिए, पहले तो मैंने इसको क्या करा, पहले तो मैं इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आ गया, प्रॉपर फॉर्म में कैसे लेके आया, रैशनलाइज किया, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर रैशनलाइज करके जेड इज इक्वल्स टू -i आया, मतलब जेड इज इक्वल्स टू -i आया, है ना, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 − i, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कि इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट जो है, वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो -1 है। देखो ध्यान से, इमेजिनरी पार्ट -1 है, यानी अगर अब मैं इसको z इज इक्वल्स टू x + i से कंपेयर करूं तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है। देखो ध्यान से, है ना, ये देखिए, वापस से मैं आपको बता देता हूं, पहले मैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, मुझे इसका आर्ग्यूमेंट निकालना था, तो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आया, प्रॉपर फॉर्म आई जेड इज इक्वल्स टू -i, फिर मैंने इसको कंपेयर किया x + i से, तो मुझे दिख गया x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -1 है। देखो क्वाड्रेंट बनाता हूं आपके लिए, ये होता है रियल एक्सेस, ये होता है इमेजिनरी एक्सेस, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -1 है, तो देखो ये रहा -1, है ना, वाई की वैल्यू क्या है, -1 है, क्या आपको बात समझ में आ रही है, ये हो गई -1। तो ये देखो, ये है, ठीक है, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, है ना, ऐसा। तो हमारे मन में मुझे पता आना पढ़ना चाहिए कि इसका आंसर अब क्या आने वाला है, 270 डिग्री आने वाला है। देखो ये है ना, ये होगा -1 कहीं यहाँ होगा, मतलब ऐसा होगा, -1 कहाँ होगा, वाई का वाई -1 कहाँ होगा, यही तो होगा, वाई का -1 यहाँ पर होगा, ये -1 रिप्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। तो यहां से एक्स 0 है, वाई -1 है ना। तो देखिए,
तो वाई माइनस वन है, 1 0 है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स होता है, तो वाई की वैल्यू है -1 और एक्स की वैल्यू है 0। क्या बात समझ में आ रही है आपको? वाई की वैल्यू क्या है, -1 है, और एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। तो टेन थीटा क्या आया मेरे पास, इन्फिनिटी, है ना। टेन इन्फिनिटी कब होता है, टेन इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पर। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, इस इन्फिनिटी को लिख सकता हूं मैं टेन 90 डिग्री, है ना। तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन ये मेरा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री कब होता है, जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं तब 90 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया, आप अर्लियर लेक्चर्स देखिए, तो टेन थीटा इन्फिनिटी आया, तो इन्फिनिटी को मैंने लिखा टेन 90, लेकिन 90 मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप, एक्स 0 है, वाई -1 है, तो ये कहाँ मिलेगा, एक्स का 0 यहाँ होता है, वाई -1 यहाँ होगा। तो देखो 90 तो यहाँ होता है, ये 180, देखो क्वाड्रेंट में भी यहां से पूरा ये क्या होता है, 0 से 90, है ना, 90 से 180, 180 से 270, और 270 से 360। और आप ये भी बोल सकते हो, ये वाली लाइन बताती है 0 को, ये वाली लाइन बताती है 90, ये 180 की लाइन, और ये 270 की लाइन, और ये वापस 360 की लाइन। तो हमारा पॉइंट कहाँ है, -1 इधर है, तो आंसर कितना होना चाहिए, 270 होना चाहिए। तो कैसे लिखूं मैं इसको, 10 90 को लिखने का तरीका देखो, 10 180 प्लस 90 लिख सकता हूं मैं इसको ऐसा, क्योंकि 10 180 प्लस थीटा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा ही होता है। तो यहां से आया 10 थीटा इज इक्वल टू 10 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 मतलब 270 टेन थीटा। तो आप कंपेयर कर देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 डिग्री। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा अपना, 270, जो कि होगा सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई मेन में पूछा गया था ये ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन में 2004 में, है ना। तो काफी अच्छा सवाल है, इजी है, मतलब बेसिकली पहले कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो उसको प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेके आना था, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लेकर आना था। तो एक्स प्लस आयोटा वाई का फॉर्म क्या आया इसका, माइनस आयोटा, है ना। अब माइनस आयोटा आने पर मैं समझ गया कि एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -1 है। देखिए एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -1 है। आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई है -1, एक्स है 0, तो माई एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज इंफिनिटी, और इंफिनिटी टेन कब होता है, 90 डिग्री पे। तो यहां मैंने लिखा टेन थीटा बराबर 10 90, लेकिन मेरा आंसर 90 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जहां पॉइंट होंगे वही पॉइंट डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, और क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा एंगल बैठेगा। तो -1 जो होता है ना, -1 वो आता है इस लाइन पे ना, यहां पर आएगा। ये देखो, ये ऐसे समझो, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये वापस 360, ऐसे, है ना। तो ये -1 का पॉइंट कहाँ आया, देखो कॉमन सेंस तो हमें, ये तो है ना, अपन मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कॉमन सेंस से तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि एंगल जो होगा 270 होगा। अब वो आपको गणित के फॉर्म में लेके आना है, तो वो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, तो छोटी सी एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, कि अगर किसी का अगर 90 लिखा है और उसको तीसरे में भेजना है, तो हम लिख सकते हैं 180 प्लस, अगर बात 10 की हो रही है तो, है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर 3π/2, है ना, यानी 270 डिग्री आ गया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के मुकाबले आसान है, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ 2i है ना, सीधे दे रखा है ना। अब तो यहाँ पे तो डिवीजन तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर फॉर्म में दे रखा है, 2i है, तो z इज इक्वल्स टू मेरे को दे रखा है 2i। अब मैं इसको कंपेयर करूं z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो यहां से मैं क्लियरली देख सकता हूं x का वैल्यू है 0 और y का वैल्यू है 2। ये तो बहुत आसान है ना, सीधा है। पिछले
पिछले क्वेश्चन के मुकाबले और आसान क्वेश्चन। तो अब मुझे पता है कि टेन थीटा होता है वाई बाई एक्स। अब टेन थीटा हो जाएगा वाई बाई एक्स का मतलब हो जाएगा 2/0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो, क्या बताया मैंने आपको, इन्फिनिटी। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा इन्फिनिटी। अच्छा, टेन इनफाइनाइट यानी टेन नॉट डिफाइंड कब होता है, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था 90 डिग्री पर। तो टेन थीटा इनफाइनाइट है तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन 90, है ना। तो इतना लिखने के बाद अब आप देखो पॉइंट लगाओ, पॉइंट कहाँ आएंगे, पॉइंट किधर आएगा, एक्स का 0 यहाँ होगा और वाई का 2 कहाँ होगा, वाई का 2 कहीं यहाँ होगा, अरे यही होगा ना। तो कैसे जाएगा ये, ऐसे जाएगा पैरेलल, ठीक है ना। तो वाई का पॉइंट कहाँ है, एक्स जब 0 है तो वाई 2 है, तो ये 0 है और ये 90 है, अरे पॉजिटिव है ना। वाई जब पॉजिटिव, जब एक्स 0 होगा वाई पॉजिटिव होगा तो यानी 90 डिग्री, जब एक्स 0 होगा और वाई नेगेटिव होगा तो 270 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन में आंसर क्या आया था, 270 डिग्री, 270 डिग्री। क्यों आया था, क्योंकि वहां पे एक्स 0 था वाई नेगेटिव था, और इस क्वेश्चन में एक्स 0 है और वाई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो कहाँ आएगा, 90 है ना। ये देखो ये 90, ये 270, ये 0, ये 180, ऐसे याद रखो, है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 90, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आंसर। तो इस केस में मैंने डायरेक्ट कंपेयर करके 90 डिग्री आंसर लिख दिया, लेकिन पिछले क्वेश्चन में मैंने उसको 180 प्लस 90 लिखा था। अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा कब सीधा लिखना है, कब 180 या 270 या 360 लिखना है ना। तो यहाँ पर टेन थीटा टेन 90 है, तो थीटा बराबर 90 है, क्योंकि वाई बराबर 2 का पॉइंट यहाँ आएगा, और यहाँ का मतलब है ये लाइन होती है, ये प्रॉपर सिर्फ इस लाइन की बात करें तो ये 0 की लाइन है, इस लाइन की बात करें तो ये 90 है, इस लाइन की बात करें तो 180 है, इस लाइन की बात करें तो ये 270 की लाइन है, और ये वापस 360 की लाइन है ना। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है ये, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले तो इसको हमको अच्छे से फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन, अच्छा ऑप्शंस हैं 30, 45, 60 या नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो इसको मेरे को अरेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। 13 -5 आयोटा अपॉन 4 -9 आयोटा इंटू 4 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9 आयोटा। सबको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, रैशनलाइज हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, है ना। मैंने आपको अर्लियर लेक्चर्स में बताया था कि एक्स प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आयोटा वाई जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना। तो 4 - 9 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 9 आयोटा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे वाली कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है, रैशनलाइज करते वक्त नीचे वाली कैलकुलेशन तुरंत करना है ना, क्योंकि ये जल्दी होगी, ऊपर वाली में थोड़ा सा समय लगेगा, तो वो हम कर लेंगे। तो नीचे वाला तो हो गया ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 36 होता है ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, सॉरी, और 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 + 9 का स्क्वायर 81, 81 + 16 = 97, है ना साहब, ऐसा आ जाएगा, 97 आ जाएगा। तो नीचे का कैलकुलेशन कितना हो गया, नीचे की कैलकुलेशन हो गई, नीचे की कैलकुलेशन हो गई 97, है ना। और अब ऊपर करते हैं, तो ऊपर जब हम करेंगे तो देखिए 13 4 जा 52 होता है, 13 × 9 117 हो जाता है ना, 117 आयोटा। -5 × 4 -20 आयोटा, ठीक है ऐसा, और -5 आयोटा × 9 आयोटा ये हो जाएगा -45 आयोटा स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए, ये हुआ 52, 117 आयोटा में से 20 आयोटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 97 आयोटा आ जाएगा, देख लेना आप, है ना। 117 में से 20 घटाने पे कितना आता है, 97। और देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 × 45 कितना हो जाएगा, -45, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 45 डिवाइडेड बाय 97, ठीक है ऐसा। अब देखिए 52 में जब 45 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 97, है ना। 52 में 45 जोड़ने पर कितना आता है, 97, प्लस 97 आयोटा डिवाइडेड बाय 97, ऐसा हो जाएगा 97 97 97, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 97/97 प्लस 97/97 आयोटा लिख सकते हो, या आप चाहते तो सीधे ऊपर से 97 कॉमन लेके काट भी सकते हो। अब काटने पर ये क्या आ जाएगा, 1 + iota आ जाएगा, आएगा ना, क्या आ जाएगा, ये 1 + iota। तो ये पूरी चीज, ये जो पूरी चीज थी रैशनलाइज करने के बाद कैसी दिखी मुझे, अब ये बन गई z इज इक्वल्स टू 1 + iota बन गई है। देखो ना z इज इक्वल्स टू क्या बन गया, ये कट गया 1 आ गया, ये भी कट गया 1 हो गया, 1 + iota हो गया, है ना। तो z इज इक्वल्स टू 1 + iota आया। अब इसको कंपेयर करो z इज इक्वल्स टू x + iota y से, तो मैं देख सकता हूं यहां पर x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी 1 है। x और y दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। जब दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं तो वो कहाँ होता है, ऐसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कहाँ आता है, 0 से 90 के बीच में आता है। अब तो ये दोनों ही ना, इसमें से कोई भी 0 नहीं है, तो जब भी कोई 0 नहीं होगा तो आंसर 0 से 90 के बीच में आएगा, है ना। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा y/x, y भी 1 x भी 1, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/1, जो कि क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, टेन की वैल्यू 1 कब आती है, 45 डिग्री पर आती है, तो लिख दो टेन 45। अब क्या मुझे इसको 180 + 45 लिखने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि फिर तो वो तीसरे में चले जाएगा और मुझे आंसर किस में चाहिए, 1 में, 1 में चाहिए। तो क्या मैं डायरेक्ट अब बोल दूं कि थीटा बराबर कितना, टेन थीटा बराबर टेन 45, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, 45 आता है ना 0 से 90 के बीच में, तो 45 डिग्री हमारा आंसर हो गया, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था बिल्कुल वैसा ही था, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पहले उसको हमें एक प्रॉपर रैशनलाइज करके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, यानी x + iota y के फॉर्म में लेके आना है। जैसे ही आप इसको x + iota y के फॉर्म में लेकर आ गए तो फिर तुरंत x देखो, y देखो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू y/x करो, और फिर क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट खेलो, बस पता चल जाएगा आपको, पॉइंट्स देख के ही पता चल जाएगा कि ये आंसर कहाँ आने वाला है ना। तो पॉइंट्स देखो कि x और y कहाँ है, x और y का पता, जैसे ही आप x y ढूंढ लोगे ना, आपको तुरंत एंगल भी पता चल जाएगा, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, एक और क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट इस पर, क्वेश्चन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, ये वापस है ना, मैं आपको जानबूझ के वही पैटर्न बार बार करवा रहा हूं, ये भी वही बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट ही होता है, आर्ग्यूमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो एक ही मतलब है ना। तो एम्पलीट्यूड निकालना है, 1 - √3 iota डिवाइडेड बाय 1 + √3 iota। चालू करते हैं अपना काम, z इज इक्वल्स टू 1 - √3 iota डिवाइडेड बाय 1 + √3 iota, है ना। सबको समझ में आ ही गया होगा, अब तो बार बार वही चीज, क्या करूं, रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करूंगा ऑपोजिट साइन से, तो 1 - √3 iota आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 - √3 iota हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर को सॉल्व करने से पहले मैं नीचे सॉल्व करूंगा, क्योंकि आसान है, क्या है भाई, a+iota b मल्टीप्लाई बाय a - iota b, क्या होता है, a² + b²। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या है, 1 - √3 iota, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसी से करना है, यानी 1 - √3 iota को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी उसका स्क्वायर हो रहा है ऊपर, तो है ना।
तो ऊपर खोल देंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट थ्री आयोटा का होल स्क्वायर है ना, माइनस 2ab, तो 2√3 आयोटा हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4, नीचे हो जाएगा 4। ऊपर सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और आयोटा स्क्वायर आएगा, तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे -2√3 आयोटा है, अपॉन में 4 है, 3 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 आयोटा स्क्वायर का मतलब -3, और ये हो गया -2√3 आयोटा/4 है ना। अब ये मुझे कुछ ऐसा दिखा, z इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 कितना होता है, -2 होता है, और ये -2√3 आयोटा/4 लिखा हुआ है ना। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, और सेपरेट करके कैसे लिख देता हूं, -2/4, -2/4√3 आयोटा, ठीक है ना। अब इसको मैं और काट के कैसा लिख सकता हूँ, -2/4 को लिखा जा सकता है -1/2, और इसी तरीके से इसको लिखा जा सकता है -√3/2 आयोटा। ये हुआ z। अब जाके ये मेरा x+iy फॉर्म बन गया, ध्यान से देखिए है ना। सिंपल काम किया है, जो करते आ रहे हैं वही किया है, सॉल्व किया, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके z इज इक्वल्स टू आया -1/2 -√3/2 आयोटा है ना। अब मुझे फटाफट बता दीजिए कि व्हाट इज x एंड व्हाट इज y। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा x प्लस आयोटा y से, है ना। तो जब मैं इसको x प्लस आयोटा y से कंपेयर करूंगा, तो देखिए आप x प्लस आयोटा y से कंपेयर करने पर इजीली दिख रहा है कि x की वैल्यू कितनी है, -1/2, और y की वैल्यू कितनी है, -√3/2 है ना। देखो x की वैल्यू -1/2, y की वैल्यू -√3/2, यानी x एंड y दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं। और जब x और y दोनों नेगेटिव होते हैं तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे वाह, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कहाँ से कहाँ के बीच में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट आता है 180 से 270 के बीच में, तो निकालो, निकालते हैं। तो x -1/2, y -√3/2, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स है ना। तो tan थीटा y बाई एक्स होता है, तो tan थीटा y बाई एक्स का मतलब हो गया -√3/2 / -1/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा मेरे पास √3। टेन थीटा कितना बचा मेरे पास, √3। तो यहाँ करते हैं बाकी का पार्ट, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3। √3 टेन की कौन सी वैल्यू होती है, 60 डिग्री होती है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 10 60। तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्या मेरा आंसर सही है, नहीं गलत है ना। थीटा बराबर 60 मैं नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, 60 इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि 60 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन हमारा उत्तर आना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे मुझे वो काम करना पड़ेगा, कौन सा वाला, 180 वाला। तो मिटाएंगे, 10 थीटा बराबर 10 60 लिखा हुआ है, इसको भेजना है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो लिख दूंगा 10 थीटा बराबर 10 180 प्लस कितना, 10 180 प्लस थीटा यानी 60 है ना। 10 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, और अपना काम भी हो गया। देखिए 10 थीटा इज इक्वल टू 10 180 में 60 जोड़ने पर कितना आता है, 240 आता है। अब कंपेयर कर दो तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 240 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन है ना। तो काफी मजेदार है, काफी इंटरेस्टिंग है, और काफी इजी है ना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप अगर आप
प्रोसीजर फॉलो करोगे, ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान रखोगे, क्वाड्रेंट सिस्टम आपको इजीली समझ में आ जाएगा, एक्स और वाई देख के आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड, नेगेटिव पॉजिटिव सेकेंड, वो तो इजीली देख के समझ में आ जाता है ना। तो पॉइंट्स देख के हमें क्वाड्रेंट का पता चल जाता है और क्वाड्रेंट हमें बता देता है कि हमारा एंगल कहाँ आने वाला है। तो ये हुआ एम्पलीट्यूड पे सवाल, है ना। आई होप आपको एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट टॉपिक ऑफ, है ना, एक ही मतलब है, आर्ग्यूमेंट बोलिए या एम्पलीट्यूड बोलिए, है ना। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा, है ना। जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसको काफी मजा आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। और जिसने ऐसे ही लेक्चर देखे कि हाँ यार चलो ठीक है लेक्चर देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, तो फिर मजा नहीं आएगा यार, है ना। बिल्कुल आप ध्यान से लेक्चर देखो। और यार वैसे भी तो 40 मिनट्स का ही तो लेक्चर होता है, 40 मिनट्स आप अपनी स्टडी को नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। क्लास 11th में हम आए हैं अभी अभी जस्ट, है ना। अभी हमने 10th, अब देखिए ऑल टुगेदर डिफरेंट है पूरा। 11th 12th को आप कभी भी कंपेयर मत करिए 9th 10th 8th 7th क्लास से, है ना, पीछे की क्लासेस से कंपेयर मत करिए। आप कभी ये मत सोचिए कि मेरी 10th में 95% थी तो मेरी 11th में भी 90% होगी, है ना। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट स्कोरिंग 90+ परसेंटेज मार्क्स इन क्लास 10th, एंड वेन दे अपियर फॉर क्लास 11 12 दे हार्डली स्कोर 60%। वाई ऐसा क्यों होता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है यार मैंने तो 90% 90% 10th में स्कोर किया था तो मैं 11 12th में भी अच्छा ही करूंगा। ऐसा नहीं होता है ना। आपको, है ना, डेडिकेशन थ्रू आउट मेंटेन रखनी होती है ना, फोकस रखना होता है, लेक्चर्स बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है, टीचर क्या लिख रहा है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्या बोल रहा है ना। आप पहले सुनिए और उसके बाद बोर्ड को देखिए। यहाँ पे लिखी हुई चीज आपको तभी समझ में आएगी जब मैं जो बोलूंगा वो आप समझेंगे, है ना। तो आपका सबसे पहला मेन टास्क ये है कि आप लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद देखिए क्या हो रहा है ना। अगर ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता फिर, है ना। और फिर हम जब ऑफलाइन मिलेंगे, है ना, जब हम फेस टू फेस मिलेंगे तो बहुत आसान होगा हम लोगों के लिए आगे कंटिन्यू करना, है ना, आगे टॉपिक्स के में और पकड़ बनेगी अपनी और मजबूत बनेगी। तो उसके लिए बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मैं बार बार वो रिपीट कर रहा हूँ, लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। तो ये था आपका एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर का अब नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो होगा पोलर फॉर्म, है ना, कि पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो आज का लेक्चर हम खत्म करने से पहले पोलर फॉर्म का इंट्रोडक्शन करेंगे, पोलर फॉर्म क्या होता है उसके बारे में एक एलिमेंट्री आइडिया लेंगे, ताकि कल जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब फुल फ्लेजेड में उस टॉपिक को स्टार्ट कर सकेंगे। तो अब मैं आपको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने वाला हूँ, उसके बारे में छोटी सी चीजें बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पोलर फॉर्म। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक आता है पोलर फॉर्म, है ना। पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब पोलर फॉर्म को समझने के लिए ये दो चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकाला जाता है। अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड, इसी को इसी तरीके से दर्शाते हैं। मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और उसके तुरंत बाद हमने सीखा आर्ग्यूमेंट निकालना। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालते हैं, टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स से निकालते हैं। तो ये हमने कैसे निकाला था, ये हमने ऐसे निकाला था, हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, यहां दिखाया रियल, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा ये लाइन रियल की होती है, ये नेगेटिव रियल होती है। देखो अब तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज होती है इमेजिनरी की, है ना, ये होती है नेगेटिव इमेजिनरी, है ना, ये नेगेटिव इमेजिनरी होता है, ये ओरिजिन होता है। अब मैंने आपको आर्ग्यूमेंट समझाने के लिए मैंने बताया था, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, है ना, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया, उसको मैंने छोटा एक्स वाई नाम दिया था, ठीक है। फिर इस ओरिजिन से उस पॉइंट को मैंने एक्सटेंड करा के ज्वाइन करा, ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। जैसे ही परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे बन गया एंगल, ये परपेंडिकुलर है ना। अब मैंने इसको नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, तो ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ओ ए बी, है ना, ओ ए बी। अच्छा यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, इसको हमने क्या नाम दिया था,
इसको हमने छोटा एक्स बोला था, इसको हमने छोटा वाई बोला था, बोला था ना, ये छोटा एक्स था, ये छोटा वाई था। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये लॉन्गेस्ट साइड निकाल दी थी। लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये हमारा क्या निकला था? ये हमारा निकला था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकला था ना। ये वाली साइड अपनी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकली थी, जिसको मैंने आर नाम दिया था। आर बोलूं या मॉड जेड बोलूं या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलूं, सबका मतलब एक ही है ना, आर मॉड जेड या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या होती है पोलर फॉर्म। बहुत ही आसान टॉपिक है, अभी तक का सबसे आसान आप बोल सकते हो। तो यहां से मैंने उस दिन आपको बताया था, पाइथागोरस थ्योरम से हमने एक एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था। तो यहां से मैंने क्या बताया था आपको, कॉस थीटा अगर मुझे निकालना होगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसका? एक्स है। तो मैं लिख सकता हूं एक्स अपॉन आर, है ना। आर लिखो या मॉड जेड लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। तो कॉस थीटा एक्स अपॉन आर है। इसी तरीके से साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है वाई अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो कॉस थीटा एक्स अपॉन आर है, साइन थीटा वाई अपॉन आर है। तो क्या मैं एक्स को आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ? एक्स बराबर आर कॉस थीटा, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और वाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम? आर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्या, देखो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म में एक्स और वाई नहीं आता है। पोलर फॉर्म में क्या नहीं आता है? एक्स और वाई नहीं आता है। पोलर फॉर्म हमेशा कैसे आएगी? आर और थीटा आएगा उसमें। क्या आएगा? आर एंड थीटा के फॉर्म में हमारा हमेशा पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्स बराबर सॉरी जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई था, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई था। तो क्या मैं उस z बराबर x प्लस आयोटा y को अब ऐसा लिख सकता हूँ? देखो x बराबर r cos थीटा है, अभी अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर। कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं कि x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। अब यहाँ पुट करिए इसको, तो z इज इक्वल्स टू, x की जगह मैं पुट करता हूँ r cos थीटा और y की जगह मैं पुट करता हूँ r sin थीटा। और अब मैं देख सकता हूँ दोनों में r कॉमन है, तो आर कॉमन लेकर ब्रैकेट लगाकर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दूंगा। ये हो गया मेरा पोलर फॉर्म, है ना, इतना आसान है। देखिए है ना इजी। तो जेड इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z बराबर x प्लस आयोटा y को अगर हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या बोलेंगे? z इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज पोलर रिप्रेजेंटेशन, या लिख देता हूं मैं। तो ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। किसकी पोलर फॉर्म? अरे भाई z की, जिसकी बात हो रही है उसकी। तो पोलर फॉर्म ऑफ z, ठीक है। तो अगर इफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज नॉन एज दी पोलर फॉर्म, या इट कैन, पोलर फॉर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। कैसे आया अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इस तरीके से हम पोलर फॉर्म दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली पोलर फॉर्म में कैसे क्वाड्रेंट का रोल प्ले आता है, कैसे क्वाड्रेंट अपना खेल खेलता है पोलर फॉर्म में, और कैसे किसी सिंपल से कॉम्प्लेक्स नंबर से हम उसके पोलर फॉर्म को कैसे बदलेंगे, पोलर फॉर्म में तब्दील कैसे करेंगे। तो वो धीरे धीरे हम सीखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आपका काम ये है कि अभी तक के मेरे लास्ट के चार लेक्चर्स जो हुए हैं आर्ग्यूमेंट मॉड्यूलस एंड पोलर फॉर्म पे, वो ध्यान से एक एक बार और देखें, है ना। जिसने जिन स्टूडेंट्स अच्छे से देखते आ रहे हैं, जिनको सब समझ में आ रहा है, वेल एंड ओके, बहुत अच्छी बात है। फिर भी स्टिल मैं उनको बोलूंगा एक एक बार और लेक्चर्स को देखिए, है ना। इस बारी आप बोर्ड से ज्यादा वो देखिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरे को सुनिए ढंग से, है ना। तो सुनने पे ज्यादा फोकस करिए रादर देखने के।
क्योंकि अगर आप ढंग से सुनेंगे तो क्वेश्चंस आप इजीली बना पाएंगे, है ना। तो आर्ग्यूमेंट एंड मॉड्यूलस की स्टडी अच्छे से करेंगे, क्योंकि पोलर फॉर्म में उसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पूरा पोलर फॉर्म आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस पे डिपेंडेंट है। तो लास्ट के 3 लेक्चर्स और अच्छे से आप देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब पोलर फॉर्म के बारे में डिटेल में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और आप सब अपने घरों पर रहिए, सेफ रहिए। वापस बोलूंगा मैं, कम से कम निकलने की कोशिश करिए घर से, मैक्सिमम टाइम घर पे यूटिलाइज करिए, लेक्चर्स ध्यान से देखिए, और बाकी हम कल बात करते हैं, कल के लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।